तो जो WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है वो साल 2022 की शुरुआत में होगा और ये होने वाला है डे वन 2022। अब वहां पर कौन सा रोमन रेंस का मैच होगा, किसके खिलाफ अपने ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड करेंगे, रिसेंटली इसको लेकर काफी सारे कंफर्मेशन न्यूज आ चुके हैं सामने, क्योंकि सुपरस्टार ने खुद चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को। साथ ही में रिसेंटली AEW के शो में भर भर के लगे अपने ए लिस्ट रूमर्स के चैंट्स, केविन ओवेंस के भी WWE ने कुछ मेजर और बड़े प्लान्स कर दिए रिसेंटली कैंसिल, और द रॉक ने अपना जो प्राइवेट ट्रक है रिसेंटली वो गिफ्ट कर दिया एक फैन को, और वो जो फैन है हो गया काफी ज्यादा इमोशनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले शुरू करेंगे क्विक अपडेट के साथ में, और इस बार जुड़ी अपने फिन बैलर के बारे में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फिन बैलर को, आज उनकी शादी बारात नहीं है या फिर उनकी एनिवर्सरी नहीं है, बल्कि आज फिन बैलर ने 20 साल कंप्लीट कर लिए एज प्रोफेशनल रेसलर इस पूरी प्रो रेसलिंग कंपनी में, या फिर प्रो रेसलिंग बिजनेस आप कह सकते हो। वैसे जो डेट है वो आज की नहीं, लेकिन फिन बैलर को शायद आज याद आता है या फिर खुद अपनी बात को हमें रिवील करते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। वो बताते हैं, November 23, 2001 आई मेड माई प्रोफेशनल रेसलिंग डेब्यू, थैंक यू टू एवरी वन हु हेल्प मी अलॉन्ग माई वे, टू एवरी वन दैट चीयर्ड एंड बूड मी एट द शो, टू हैमर लॉक, NJPW, NXT, WWE एंड द क्लब, टू ऑल द मेन्स एंड द वुमेन्स आई वर्कड इन फ्रंट एंड बिहाइंड विद द कैमराज, एंड टू माई फैमिली, माई वाइफ एंड अनविविंग बिलीव टूडे आई एट द केक। यहाँ पर केक की फोटो भी शेयर करते हैं जहाँ पर वो हमें एक केक खाते हुए नजर आते हैं। 20 साल का भैया, 20 साल उन्हें हो चुके हैं इस पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के सिनेरियो के अंदर। अब 20 साल सही में एक बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। अब मेरे हिसाब से जो बैलर की एज है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40 के आसपास की है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 39 है, 40 है, 41 है, लेकिन उसके अराउंड ही है। और सोचो भाई, जो बंदा है वो जब से 20 साल या फिर 19-18 साल का था वो तब से लगातार रेसल कर रहा है, तो ये जरूर बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से फिन बैलर के लिए। उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन सही बताओ, कभी कभार फिन बैलर को देखकर डिसअपॉइंटमेंट अंदर से फील होती है कि ये इंसान वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, लेकिन WWE अब उसका कचरा कर रही है। अब देखो, भगवान जानते कि क्या होता अगर उस टाइम जो फिन बैलर जब पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन बने थे उन्हें इंजरी ना होती, मे बी ऐसा हो सकता था कि वो WWE के नेक्स्ट मेगा स्टार बन जाते, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि फिन बैलर अभी WWE के साथ नहीं होते और उन्हें भी कर दिया जाता रिलीज। बाय द वे, खुशी का मौका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बैलर को इस पूरे 20 साल को कंप्लीट करने के लिए। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है AEW के रिसेंटली शो के बारे में, और रिसेंटली AEW डायनामाइट के एपिसोड के ऊपर जो कि आई गेस थैंक्सगिविंग का शो था, वहां पर CM Punk और MJF को एक बार फिर से आमना सामना होता है। दोनों के बीच एक और प्रोमो बैटल होती है। एक्चुअल में जो लोग AEW देखते हैं उन्हें पता होगा इन दोनों के भी फिलहाल वहां पर रिवलरी और फ्यूड चल रहा है, और CM Punk और MJF के प्रोमो के अंदर काफी सारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स का या फिर जो करंट स्टार्स है उनका मेंशन होता है, ट्रिपल एच का मेंशन होता है, जॉन सीना का मेंशन होता है, लेकिन यहां पर CM Punk की एक जो लाइन है मुझे काफी कमाल की लगी, मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। होता क्या, वो CM Punk MJF को कहते हैं, यार लौंडे तुझे क्या लगता है, तू काफी रेवोल्यूशनरी है, तू काफी कमाल का सुपरस्टार है, या फिर तूने इस पूरे रेसलिंग बिजनेस को चेंज करके रख दिया, तू काफी प्रमोशन में फेमस है क्योंकि तेरे माइक स्किल अच्छे हैं, आज ही घंटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बस एक लेस फेमस मिज है, यानी कि तू बस एक मिज की कॉपी है जो कि उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं जितना कि एक्चुअल में मिज है, बाकी ज्यादा कुछ तो है नहीं, जो तू चीजें कर रहा है वो ऑलरेडी मिस कर चुका है इस पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर। और उसके बाद जो AEW फैंस हैं वो हमें मिज के चैंट्स करते हुए नजर आते हैं। MJF की भैया शक्ल देखने वाली होती है जब उन्हें ये कहा जाता है, यू आर नथिंग मोर देन लेस फेमस मिज। क्या आपके हिसाब से भी MJF एक्चुअल में, जो लोग AEW देखते हैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या जो MJF हो एक्चुअल में मिज के एक लेस फेमस वाली कॉपी है, या फिर आपके हिसाब से MJF बेटर है द मिज से? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से भाई काफी लोग सोचते होंगे कि मिज अपने जोकर की तरह, या फिर मिज को कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन भाई मिज मेरे हिसाब से वन ऑफ दी स्मार्ट रेसलर्स हैं। आज तक उनको अपनी पूरी यू नो प्रोफेशनल रेसलिंग की जब से वो बिजनेस में आए हैं, आगे से उन्हें एक ही बार इंजरी हुई जो कि उनको रिसेंट टाइम में हुई थी, वो भी ज्यादा लंबी टाइम की थी नहीं, इससे पहले मिज को एक भी इंजरी नहीं हुई। आप उन्हें एक स्मार्टेस्ट रेसलर कह सकते हो जो कि दिमाग के साथ में बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट करता है। बाय द वे फेमस सही में काफी ज्यादा हॉलीवुड की उनकी मूवीज काफी हिट जाती हैं। बाय द वे MJF की लाइन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार प्राइस फाइटर केविन ओवेंस के बारे में जुड़ी है, और केविन ओवेंस के भी WWE ने रिसेंटली काफी बड़े प्लान्स कर दिए कैंसिल, और ये प्लान्स तब थे जब केविन ओवेंस का हील टर्न नहीं हुआ था टेलीविजन पे। हमने देखा लगातार बेचारे जो अपने केविन ओवेंस से सभी को चिल्ला चिल्ला कर इसे हील टर्न से पहले बता रहे थे कि भैया मैं दगेबाज नहीं हूं, मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं जो भी कर रहा हूं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, या फिर जैसे उन्होंने बिगी के ऊपर अटैक किया था उससे पहले सेथ रॉलिंस वाली जो चीज हुई थी उसके बाद उन्होंने बिगी के ऊपर अटैक किया, तो यहां पर बताना चाह रहे थे कि उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल गई, उनका एक्चुअल में ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। लेकिन रिसेंटली PW Insider की तरफ से काफी ज्यादा बड़ी न्यूज आती है सामने,
और बताते हैं कि WWE की हील टर्न से पहले जो केविन ओवंस को लेकर प्लान थे वो ये कि एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में केविन ओवंस का लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट मतलब कि भैया आपको जो पूरा यू नो गर्दन वगैरह बांध दी जाती है, बांध देने का मतलब ये नहीं कि रस्सी से बांध दी जाती है, मशीन्स वगैरह होती हैं वो एक्चुअल में रियलिटी में भी होती हैं कुछ बड़े बड़े हाई प्रोफेशनल पुलिस केसेस के अंदर। अब एक्चुअल में WWE सेम मशीन तो नहीं उठा ला पाती, लेकिन यहाँ पर WWE क्या करती, वो ऐसे कुछ दिखाती है भैया जो अपने केविन ओवंस हैं उनको लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो बंदा सामने बोल रहा है क्या यही जो सेम चीज़ है उसके दिमाग में चल रही है, यानी कि सामने मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे इतने सब्सक्राइबर्स में बिल्कुल भी घमंडी नहीं हूँ और मेरे दिमाग में बात चल रही है आज ही घंटा मैं तो इतना घमंडी हूँ, ऐसा वैसे रियलिटी कुछ भी नहीं है ठीक है। और यहाँ पे जो मशीन है फिर भैया टी 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 बोलने लग जाती है और उसके बाद पता लग जाता है सामने वाला जो लौंडा है वो बोल रहा है झूठ। लेकिन WWE को लगा शायद लाइट डिटेक्टर वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उनको लगा भैया सीधा करते हैं केविन ओवंस का करेक्टर ही ऐसे हील टर्न करवा देते हैं, ये लाइट डिटेक्टर टेस्ट वगैरह करवाएंगे ज़्यादा ओवर एक्टिंग टाइप हो जाएगी, इसलिए जो WWE है उन्होंने लाइट डिटेक्टर वाली जो चीज़ है जो पूरा सेगमेंट है वो रॉ से कर लिया पुल आउट और केविन ओवंस का डायरेक्ट वे में करवा दिया हील टर्न। और मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ थी कि केविन ओवंस का हील टर्न डायरेक्ट वे में हो गया, हमने पहले भी देखा इस इंसान ने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया हुआ है, तो हम जानते हैं केविन ओवंस का करेक्टर ये वाला भी है। हाँ लाइट डिटेक्टर टेस्ट वाली जो चीज़ है वो जॉन सीना जैसे सुपरस्टार के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो जिसका आज तक WWE के अंदर हील टर्न नहीं हुआ है। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है अगर उसकी स्टोरी में आप ये चीज़ करोगे वो अलग बात होती है, लेकिन यार केविन ओवंस का करेक्टर ही कुछ ऐसा है, फाइट ओवंस फाइट प्राइस फाइट ओवंस जो भी कह लो आप, लेकिन केविन ओवंस अपने दगाबाज तो जरूर लगते हैं। इसको लेकर क्या आपको ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से WWE ने सही किया ये लाइट डिटेक्टर वाले सारे प्लान्स को कैंसिल करके? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है द पीपल चैंप द ब्रम्बल द रॉक के बारे में। अब द रॉक हमारे WWE के अंदर फेमस जरूर है लेकिन हॉलीवुड के भी वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स बन चुके हैं वो ऑलरेडी। और हाँ आपको अंडा तो याद ही होगा ना, विंस मैकमैन वाला अंडा, नेटफ्लिक्स वाला अंडा, रेड नोटिस वाला अंडा। अब वो जो अंडा उसकी एक्चुअल में जो मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी देख भी ली होगी। और होता है कि बाहर ले देश में यानी कि यूएसए अमेरिका साइड में एक ऐसे रैंडम थिएटर के अंदर ये जो रेड नोटिस मूवी है वो लगती है और वहां पर पहुंच जाते हैं द पीपल चैंप द रॉक। द रॉक जाते हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ में और वहां मूवी स्टार्ट होने से पहले आके सामने हो जाते हैं, खड़े माइक लेते हैं और यहां पर बातचीत करते हैं ऑडियंस से कि भैया ये रेड नोटिस मूवी है, फलाना फलाना मूवी के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है और उन्हें काफी अच्छा लग रहा है फैंस के सामने आके। और क्या फैंस को पसंद है द रॉक, और द ऑडियंस जो यहां पर भैया बहुत तेज से चिल्लाती है। उसके बाद रैंडमली वे में द रॉक ऑडियंस में से एक बंदे को उठाते हैं जो कि एक्चुअल में सोशल वेलफेयर का काम करते हैं वुमेन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए या फिर उन्हें काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। अब अगर मैं कुल मिलाकर कहूं शुद्ध हिंदी के अंदर इसका मतलब समाज कल्याण होता है। और द रॉक उसे बुलाते हैं स्टेज के ऊपर, वो कहते हैं तुम्हारा जो काम है मैंने देखा, मेरे लोगों ने बताया, मैं उसकी काफी ज्यादा एप्रिसिएशन करता हूं कि हाँ इस दुनिया में अभी फिलहाल तुम जैसे भले लोग भी हैं। और उसके बाद गले लगा लेते द रॉक उस इंसान को और वो जो बंदा काफी इमोशनल होता है और तीन बार झप्पी पा लेता अपने द रॉक को और अपने दोस्त को बताते कि भैया ये देख मैंने द रॉक को तीन बार गले मिला हूं। द रॉक कहते भैया सिर्फ यही बात नहीं है, आओ बाहर चलो तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट, एक स्पेशल सरप्राइज है। बाहर जाते द रॉक का जो ट्रक खड़ा होता है वो कहते गेट खुला है ना, अंदर एक लेटर पड़ा है जरा उसे पढ़ो। वो उसे पढ़ता है और वहां पर ये लिखा होता है कि जो ड्वेन जॉनसन द रॉक है वो अपना प्राइवेट ट्रक उस बंदे जिसका नाम आई गेस ऑस्कर है उसे गिफ्ट कर दे रहे हैं और द रॉक इसके लिए काफी ज्यादा खुश है। अब वो बंदा उसे पढ़ के काफी इमोशनल होता है, वो तुरंत वहीं पर बैठ जाता है, रोने लग जाता है, द रॉक को गले लगाते। द रॉक कहते हैं अरे तो छोटी मोटी चीज है, तुम जैसे लोग इतनी ज्यादा अगर अच्छे काम कर सकते तो क्या मैं इतना बड़ा हॉलीवुड स्टार हो कि भी ये छोटा सा काम नहीं कर सकता हूं। वो कहते हैं लेकिन ये ट्रक तो एक्चुअल में आपका ना। द रॉक कहते हैं उसमें क्या हुआ, ये ट्रक पहले मेरा था, आज से तुम इसके मालिक हो, जाओ इसे आराम से चलाओ। वो अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड वगैरह को फोन करता है, गर्लफ्रेंड को ही फोन करते हैं, दो नहीं थे, गर्लफ्रेंड को फोन करते, उसे दिखाते भैया उनके साथ में द रॉक है और द रॉक से हाईफे मिलाने के बाद वो ट्रक हमें यहाँ से ले जाता हुआ नजर आता है। उसके बाद द रॉक कहते हैं ये तो ट्रक ले गया, मैं क्या पैदल जाऊँ अपने घर पे। और एक्चुअल में यहाँ पर कैप्शन में द रॉक ये बात भी मेंशन करते हैं कि उनका जो प्लान था रेड नोटिस मूवी में जो पोर्शे कार चला रहे हैं वो गिफ्ट करना था, लेकिन उसके बाद उन्हें कहा गया कि भैया वो गिफ्ट वगैरह कार ना करो, बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए जो प्राइवेट ट्रक है द रॉक खुद ले गए और उन्होंने अपना प्राइवेट ट्रक गिफ्ट कर दिया। इस पूरी चीज़ को लेकर आपका क्या ओपिनियन जरूर शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो WWE के डे वन PPV 2022 के बारे में जुड़ी है। और डे वन PPV के अंदर कौन सा होगा हमारे यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का अपोनेंट रिसेंटली, इसको लेकर मैं आपको कुछ कंफर्मेशन न्यूज दे सकता हूं। और बताया जा रहा है कि प्रोबेबली वो सुपरस्टार होने वाले हैं जेफ हार्डी। अब सिर्फ रूमर से ये बात नहीं कह रहे बल्कि रिसेंटली जेफ हार्डी ने खुद ब खुद चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को एक ड्रीम मैच के लिए। होता है कि WWE अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर रिसेंटली एक वीडियो में अपलोड करती हुई नजर आती है जो कि स्टोन कोल्ड के अगले गेस्ट की, और वहां पर जेफ हार्डी का नाम मेंशन होता है और उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है।
वहां पर पूछा जाता है कि भैया जेफ हार्डी आपके ड्रीम अपोनेंट अभी फिलहाल कौन से हैं, वो कहते हैं मेरा भी फिलहाल एक ही ड्रीम अपोनेंट है, वो है यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। अब देखो रोमन रेंज पूरी ऊसो या फिर ब्लड लाइन कह लो, वो अपने आप को नंबर वन दिखाती है। रोमन रेंज कहते हैं मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ, यार ये जो सारी चीजें हैं ना मेरा कभी कभार सिर दर्द करवा देती हैं, अगर रोमन तुम हेड ऑफ द टेबल हो तो जेफ हार्डी वो इंसान है जो कि उस टेबल को पूरे तरीके से ब्रोक करने वाला है। ये मेरा ड्रीम मैच है और इस मैच को डेफिनेटली जेफ हार्डी जीतने का ट्राई करेंगे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर रिवील होती हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के इस वाले इंटरव्यू में। और हाँ, जेफ हार्डी को हमने देखा रिसेंटली सर्वाइवर सीरीज पीपीवी के अंदर स्मैकडाउन की तरफ से सोल सर्वाइवर भी बने थे और ऑलमोस्ट वो काफी क्लोज थे स्मैकडाउन को एक विक्ट्री दिलाने के लिए। तो पता नहीं क्यों मुझे सारे चांसेस इसी तरफ लगते हैं कि जो जेफ हार्डी है उनको फाइनली मिलने वाली टाइटल अपॉर्चुनिटी डे वन 2022 के पीपीवी के अंदर ट्राइबल चीफ के अपोनेंट के। आप देखना चाहोगे डे वन पीपीवी में रोमन वर्सेस जेफ हार्डी या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल के इन फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।